नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहद खूबसूरत नेट पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए। ऐसे चार चार फंदे हम गिने तो लास्ट में एक भी फंदा बचना नहीं चाहिए। तो मैंने सिलाई में 12 फंदे डाले हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने सिलाई में 12 फंदे डाले हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे। पहले दूसरे वाले में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले में। दो फंदों को एक साथ लेते हुए और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदे हम एक साथ लेंगे, एक और दो, और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे। पहले दूसरे वाले में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले में, यानी हम फ्रंट लूप से दो का एक कर रहे हैं। यहाँ हमने फ्रंट लूप से दो का एक किया। नेक्स्ट दो फंदे हम लेंगे, एक और दो, और इन दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से दो का एक करेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे। यानी पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे। देखिए, उसके पहले हमने जाली दिया है और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड्स पे हैं और ये है हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जाली आ गया है तो हम जाली में एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर इसी में एक बार सीधा। फिर उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा। फिर देखिए, ये जाली आ गया है तो हम इसमें एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर इसी में एक बार सीधा। तो हमने एक जाली में दो फंदे बनाए हैं। फिर उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जाली आ गया, चूंकि ये साइड का जाली है इसलिए इसमें हम सिर्फ एक फंदा ही बनाएंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो हमारे दो लाइन कंप्लीट हो गए। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, एक और दो, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हमारा जाली वाला फंदा है तो हमें इसमें पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालना है, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालना है। जब हम फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे तो हम उनको अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, हमें इन दोनों फंदों को एक साथ लेना है और फ्रंट लूप से दो का एक करना है। यानी पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में, और दोनों को एक साथ लेते हुए फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे। जब भी हम फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे तो उसके पहले हम जाली जरूर देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट से दो का एक किया और उसके पहले हमने जाली भी दे लिया। अब देखिए, अब ये इन दोनों फंदों को हमें दो का एक करना है तो पहले पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में, और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से दो का एक करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम बैक लूप से दो का एक कर रहे हैं तब हम कोई जाली नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमने देखिए, जब फ्रंट लूप से दो का एक किया उसके पहले जाली दिया, यहाँ पे हम दो का एक कर रहे हैं बैक लूप से लेकिन कोई जाली नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो का एक किया बैक लूप से। अब देखिए, अब फिर हमें इन दोनों फंदों को दो का एक करना है। जाली वाला फंदा एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, और जब हम फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे तो उसके पहले हम
ऊन अपनी ओर करेंगे यानी यहाँ हम जाले देंगे। तो ऊन अपनी ओर किया और फ्रंट लूप से दो का एक करना है यानी पहले दूसरे वाले, ये जाली वाला फंदा जो है ये हमेशा ऊपर रहेगा, तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, हम फ्रंट लूप से दो का एक कर रहे हैं तो उसके पहले जाली दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये फंदा इस साइड में जाएगा तो इन दोनों को हमें एक साथ लेते हुए दो का एक करना है, लेकिन इसके पहले हम जाली नहीं दे रहे हैं। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, चूंकि यहाँ पे हमने जाली दिया है, एक फंदा घटा है, उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम एक जाली देंगे, तो ऊन को अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारा चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ये चूंकि साइड का जाली है तो इसमें हम सिर्फ एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे। अब ये बीच का जाली है और हमने यहाँ पे जब हम बैक लूप से दो का एक कर रहे हैं तो जाली नहीं दे रहे हैं, यानी एक फंदा हम यहाँ पे घटा दे रहे हैं, तो उसे बैलेंस करने के लिए इसमें हम एक बार उल्टा बुनेंगे और एक बार सीधा बुनेंगे, तो जाली में हमें दो बार बुनना है, पहली बार उल्टा दूसरी बार सीधा, और जो साइड में अगर जाली है तो उसमें हम सिर्फ एक बार ही बुनेंगे। अब उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा। अब देखिए, यहाँ पे जाली आ गया तो हम एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर इसी में एक बार सीधा बुनेंगे। अब लास्ट में दो फंदे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है और सानस है। फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप से गलती हो जाएगी और फंदे घट जाएंगे, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये पांचवा लाइन है और पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब ये जाली का फंदा है, देखिए ये जाली है तो एक जाली इस साइड में जाएगी और एक जाली इस साइड में जाएगी, जैसा कि मैंने बताया कि जब हम फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे। अब एक जाली इधर जाएगी, इसका मतलब कि ये दूसरा फंदा ऊपर आ जाएगा, तो जब हम फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे तो उसके पहले जाली देंगे यानी उनको अपनी ओर कर लेंगे और तब इन दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक करेंगे और इन दोनों को बैक लूप से, अब ये वाला फंदा चूंकि पहले रहेगा ऊपर आ जाएगा तो पहले इसमें सिलाई डालेंगे फिर दूसरे फंदे में और इन दोनों को बैक लूप से दो का एक करेंगे। तो जब हम बैक लूप से दो का एक करेंगे तो उसके पहले जाली नहीं देंगे, इस बात को का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब यहाँ देखिए, ये जाली वाला फंदा है, एक फंदा इस साइड में जाएगा और एक फंदा इस साइड में जाएगा, तो यानी इसके पहले हमें जाली देना होगा, तो उनको अपनी ओर करेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। जाली वाला फंदा देखिए ऊपर आ जा रहा है तो दोनों को एक साथ लेंगे और फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे। देखिए, दो के एक करने के पहले हमने फ्रंट लूप से दो का एक करने से पहले हमने जाली दिया है और फिर इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर लेंगे। अब फिर उनको अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारा छठा लाइन है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब ये जाली आ गया तो एक बार इसमें हम उल्टा बुनेंगे और दूसरी बार इसी में सीधा बुन लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा। अब देखिए, फिर हमारा जाली आ गया तो एक बार हम इसमें उल्टा बुनेंगे और दूसरी बार इसी में सीधा बुनेंगे, तो हम जाली में दो दो फंदे बनाएंगे लेकिन साइड वाले जाली में सिर्फ एक फंदा बनाएंगे वरना फंदे घट पड़ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे साइड में जाली है यानी इसमें हमें सिर्फ एक फंदा बनाना है। तो देखिए, हमने
12 फंदे से शुरू किया था और देखिए 4, 8 और 12 तो हमारे उतने ही फंदे रह गए। अगर आप ध्यान से वीडियो नहीं देखेंगे तो आपसे फंदे घट या बढ़ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। डिज़ाइन पीछे से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और आगे से ऐसा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, डिज़ाइन समझ में आ गया हो, तो कृपया इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।